नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में। और सीपीसी की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सीपीसी, फिर हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी, उसके बाद हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ द कोड, उसके बाद हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड यानी कि सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या था, और लास्ट में हम कवर करेंगे स्कोप ऑफ द कोड यानी कि सीपीसी का स्कोप कितना है और क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी की इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ सीपीसी यानी कि आखिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। द लॉ रिलेटिंग टू द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द सिविल कोर्ट्स इज रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी कि दोस्तों, बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने मीनिंग को समझाने की कोशिश की है कि जो भी प्रोसीजर और प्रैक्टिस सिविल कोर्ट में फॉलो की जाती है उनको रेगुलेट किया जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा। अर्थात जितनी भी सिविल प्रोसीडिंग्स होगी सिविल कोर्ट्स के अंदर वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा फॉलो की जाएगी। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कोड यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ओरिजिन कैसे हुआ। दोस्तों, इस पॉइंट को हम समझते हैं कहानी के थ्रू। तो हम बताना चाहेंगे कि 1859 तक इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म कोड नहीं था जो कि सिविल कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग को फॉलो कर सके। सबसे पहले 1859 में एक यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड आया जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1859 से जाना गया या ये कहें पास किया गया। और जैसे कि समय बदलता रहा, हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बात की है कि लॉ जो है डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसी तरह से द सिविल प्रोसीजर कोड 1859 को भी टाइम टू टाइम अमेंड किया गया। इसको सबसे पहले 1877 में अमेंड किया, उसके बाद 1878 और 1879 में भी इसको अमेंड किया गया। इन सब के बाद जब इन सब में डेफिशिएंसी थी, थर्ड सिविल प्रोसीजर कोड 1882 में इनेक्ट किया गया जिसने इससे पहले वाले जितने भी सिविल कोड थे सबको रिप्लेस कर दिया। पर 1882 वाले कोड में भी कुछ ना कुछ कमी रह गई और उसको भी टाइम टू टाइम अमेंड किया गया। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा प्रेजेंट कोड यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हमारे सामने आया जिसने 1882 वाला जो कोड था उसको रिप्लेस किया और अपनी जगह ली। तो दोस्तों, ये थी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की हिस्ट्री जो 1859 से शुरू हुई और 1908 पर आकर रुक गई। और उसके बाद भी 1908 में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इनेक्ट हुआ उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। दोस्तों, अब तक तो हमने बात करी सीपीसी का मतलब क्या होता है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बैकग्राउंड के बारे में। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर 1908 का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है वो एक यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड है जिसको इनेक्ट किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया ने जो कि 21 मार्च 1908 यानी कि 21 मार्च 1908 को इनेक्ट हुआ था। और कमेंस कब से हुआ था? 1 जनवरी 1909 से। बात करें इसके एक्सटेंड की तो ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं? तो इसमें 158 सेक्शंस हैं और साथ ही साथ इसमें 51 ऑर्डर्स भी हैं। और इन सेक्शंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 11 पार्ट्स में। तो इसमें 11 पार्ट भी हैं। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर सीपीसी में यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेक्शंस और ऑर्डर को अलग अलग क्यों रखा गया है, क्या जरूरत पड़ी कि हमने सेक्शंस और ऑर्डर को अलग रखा जबकि कि हम सिर्फ सेक्शन रख सकते थे
या फिर ऑर्डर। तो इसको हम समझाएंगे अगले पॉइंट में, यानी कि नेचर ऑफ द कोड के अंदर। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द कोड की। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं और हमने पहले भी बताया है आपको कि कोई भी लॉ दो तरह का होता है। पहला सब्सटेंटिव लॉ, जो कि किसी भी चीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है या फिर उसकी लायबिलिटी के बारे में बात करता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे तरह के लॉ की, तो वो होता है प्रोसीजरल लॉ, यानी कि उस राइट ड्यूटी या लायबिलिटी को इन्फोर्स कैसे कराना है, इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, उसके प्रोसीजर के बारे में। पर बात करें CPC के नेचर की, तो CPC एक ऐसा लॉ है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो बात करता है इसके सब्सटेंटिव लॉ के बारे में, जिसमें 158 सेक्शंस कवर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, तो जो बात करता है इसके प्रोसीजरल लॉ के बारे में, जिसमें 51 ऑर्डर जो हैं वो कवर होते हैं। यानी कि CPC के जो सेक्शंस हैं वो हैं सब्सटेंटिव लॉ के अंडर, और जो इसके 51 ऑर्डर्स हैं वो हैं प्रोसीजरल लॉ के अंडर। हमें उम्मीद है कि अब तक हमने आप लोगों को जितना बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर CPC का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी हमें CPC को इंट्रोड्यूस करने की। तो CPC का मेन ऑब्जेक्ट है कि जितने भी सिविल प्रोसीजर कोड थे अब तक, उनको कंसोलिडेट करना, यानी कि उनको एक साथ इकट्ठा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस्टेब्लिश करना, ताकि के जितने भी सिविल कोड्स में प्रोसीडिंग होती है वो यूनिफॉर्मली फॉलो की जा सके, यानी कि वो एक जैसी फॉलो की जा सके। और यही चीज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रीएम्बल में भी बताया गया है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कंसोलिडेट करना जितने भी पहले सिविल प्रोसीजर कोड थे उनको, ताकि के इंडिया में जितने भी सिविल कोड्स हैं, सिविल ज्यूरिडिक्शन वाले कोड्स हैं, उनमें यूनिफॉर्मली सिविल प्रोसीडिंग फॉलो की जा सके। और इसी के साथ साथ सिविल प्रोसीजर कोड्स जो है वो सिविल कोर्ट में जितने भी एक्शन किए जाते हैं सूट फाइल करने से पहले से लेकर डिक्री या ऑर्डर पास होने तक, उन एक्शंस को रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, यानी कि स्कोप ऑफ द कोड, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो स्कोप है वो कितना है और कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है वो जनरल प्रोसीजर लॉ है, यानी कि वो एक जनरल यूनिफॉर्म लॉ है। तो ये किसी भी लोकल या स्पेशल लॉ जो कि इस टाइम फोर्स में है उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। यानी कि दोस्तों, अगर कहीं पे स्पेशल लॉ और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कोई विरोधाभास आता है, दोनों में कोई भी तकरार आती है, तो वहाँ पर स्पेशल लॉ जो है वो लागू होगा, ना कि के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसी में आगे बताया गया है कि अगर कहीं पर ऐसा होता है कि लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ जो है वो साइलेंट है उस मैटर को लेकर, तो वहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो लागू होगा, ना कि के स्पेशल लॉ। मान लीजिए कहीं पर किसी चीज़ को लेकर स्पेशल लॉ में भी प्रोविज़न दिए गए हैं और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी प्रोविज़न दिए गए हैं, पर किसी मैटर को लेकर स्पेशल लॉ जो है वो साइलेंट है, वो वहाँ पर ब्लैंक है, तो वहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ना कि के स्पेशल लॉ के। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के इंट्रोडक्शन की। अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे इसके ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 को समझने के एक सिंपलेस्ट ट्रिक, जिसको आप मात्र एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। उस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ, जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फॉलो करें, हमें मैसेज करें। अगर आपको कोई बात जाननी है, कोई सवाल है, तो हमें वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी रिप्लाई करते हैं। धन्यवाद।